वेलकम टू जेईई मेन रिवीजन सीरीज। और आज का ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से, और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रेगुलर क्वेश्चंस आते रहते हैं जेईई मेंस में भी और जेईई एडवांस में भी। लोकस का क्वेश्चन है और हमें ये बात याद रखनी है आज जो हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखेंगे कि सपोज कभी मॉडुलस टाइप का कुछ दिखे मुझे, है ना। अब ये मॉडुलस अगर एक नंबर पे लग गया तो ये मॉडुलस का काम करता है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। और अगर ये मॉडुलस एक वेक्टर पे लग जाए तो ये क्या करेगा, उसका मैग्नीट्यूड देगा। अगर ये मॉडुलस एक मैट्रिक्स पे लग जाए, सपोज दिस इज ए मैट्रिक्स, तो ये क्या करेगा, उसका डिटरमिनेंट देगा। लेकिन अगर ये मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर में इस टाइप से लगे कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, बीच में प्लस या माइनस कोई भी साइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें याद रखना है। देखो Z1 - Z2, मॉड ऑफ Z1 - Z2 क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली हमें ये याद रखना है। तो सपोज इसको वेक्टर के तरीके से ट्रीट करते हैं, अगर मेरे पास एक पोजिशन वैक्टर ए हो, दूसरा पोजिशन वैक्टर बी हो, और मैंने एक वेक्टर निकाला ए बी वैक्टर। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैं बोलूंगा मेरे पास दो पोजीशन वेक्टर थे ए एंड बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये समझ में आ गया वैक्टर वाली चीज। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को भी, इससे डरने वाली बात नहीं है। बहुत लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देख के डर जाते हैं। बस देखो सिंपल सी बात, मेरे पास अगर Z1 है Z2 है, तो Z1 Z2 में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लिया हमने, उसका नाम है अर्गन प्लेन। अब मैंने बोला सपोज इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कहीं भी एक पॉइंट होगा Z1, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, डेट इज Z1। सिमिलरली सपोज एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास Z2 इसी प्लेन पे। अब मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा Z1 - Z2 के मॉड से। बस हमें यह बात याद रखनी है कि कभी भी मॉडुलस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टेप से आए Z1 - Z2 का मॉड, तो यह क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। ओके, अगर यह मुझे आइडिया आ गया तो इस पे बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्यारा सा। सपोज मैंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को फिक्स कर दिया, उसका नाम दे दिया मैंने Z0। अच्छा, Z0 नाम दे दिया आपने, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बोला वो इस तरीके से है ताकि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस हमेशा इस Z0 से कांस्टेंट है, सपोज डिस्टेंस r के बराबर है। अब मैंने क्या बोला, एक पॉइंट फिक्स है मेरे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि वेरिएबल है, इसमें कंडीशन ये है कि इस Z0 और Z के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। इसका मतलब क्या होगा, वो Z इस सर्कल पे कहीं भी घूम सकता है। किस सर्कल पे, तो मैं बोलूंगा उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो मैंने बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास Z0 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेडियस के बराबर। तो मैं बोलूंगा Z - Z0 का होल मॉड शुड बी इक्वल टू रेडियस। अच्छा, तो अगर मेरे पास इस टाइप का इक्वेशन कहीं भी दिख जाए, अभी सोचो Z0 जीरो भी तो हो सकता है, मतलब मुझे कुछ ऐसा भी दिख गया मॉड Z इज इक्वल टू R, इससे भी मैं क्या समझ लूंगा कि मेरे पास एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर कहां पे है, 0,0 पे। यहां पे अगर Z0 के जगह कुछ और दिया होता तो मैं बोलूंगा एक सर्कल है जिसका सेंटर कहां पे है, Z0 पे है, उस सर्कल का रेडियस कितना है, मैं बोलूंगा R के बराबर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, तो Z0 - Z का डिस्टेंस R के बराबर, दिस मींस एक सर्कल होगा जिसका सेंटर Z0 पे होगा। अच्छा, मान लिया जिसका रेडियस R के बराबर होगा। ओके, मान लिया आपने तो इक्वल टू लिखा, अगर इनइक्वालिटी आ जाए तो क्या करेंगे, उसको भी देख लो। अगर सपोज कोई बंदा बोल दे कि भाई बता Z - Z0 का मॉड, मतलब इनका डिस्टेंस, अभी तो मैंने बोला आर के बराबर है, अब मैंने बोला मेरे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है सच डेट उसका डिस्टेंस आर से बड़ा है। अभी बताओ आर से बड़ा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 होगा जिसका डिस्टेंस Z0
से आर से बड़ा है, दिस मीन्स वो वाला जेड वन किस एरिया में होगा? तो मैं बोलूंगा इस सर्कल के बाहर जो भी एरिया है, इस सर्कल के बाहर जो भी एरिया है उस सर्कल में जेड वन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा, तभी उसका क्या होने वाला है, सेंटर जेड नॉट से डिस्टेंस रेडियस से बड़ा होने वाला है। ओके अच्छा, अगर कोई मुझे ऐसा बोल दे कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास जेड टू, उसका डिस्टेंस जेड नॉट से आर से छोटा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा वो जेड टू जरूर कहीं इधर बैठा होगा इस सर्कल के अंदर, तभी क्या होने वाला है, इस अंदर दिल्ले होगी जेड टू, तभी मैं बोलूंगा जेड नॉट और जेड टू के बीच का डिस्टेंस रेडियस से भी छोटा आ गया। ओके, तो इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लिया। तो जब भी मेरे पास इनइक्वालिटी आए, सबसे पहले एग्जैक्टली उसी रेडियस का सर्कल बना लो, उसके बाद तुम बता दो कि या तो उस रीजन के बाहर होगा, उस रीजन के अंदर होगा, ये डिपेंड करता है ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू साइन पे। ओके, ये तो था बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो कि हमें याद रखना है कि कभी इस टाइप का इक्वेशन आए तो इससे हमें समझ जाना है कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इस पे बेस्ड एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, वो कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज मेरे पास एक सर्कल गिवन है, उसका सेंटर सपोज ओ है। अच्छा, मेरे पास कोई भी पॉइंट गिवन है पी। अब मेरे पास बोला गया एक सर्कल, मतलब एक कोई भी रैंडम पॉइंट लो, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस इस सर्कल से मिनिमम होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, वो मिनिमम पॉइंट पता है डिस्टेंस, मैं बोलूंगा इस पी पॉइंट का ओ से डिस्टेंस निकाल लो। पी पॉइंट का ओ से डिस्टेंस निकाल लिया पीओ, उसमें से एग्जैक्टली ये रेडियस वाला पार्ट माइनस कर दो, तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ये क्या होगा, पी पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस उस सर्कल से। अच्छा, किसी ने मेरे से पूछ दिया पी पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा इस सर्कल से, तो मैं बोलूंगा पी पॉइंट को और आगे एक्सटेंड कर दो ओ से पास करने वाला, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा पता है, पी से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, मतलब ये मिनिमम प्लस डायमीटर। डायमीटर क्यों बोला, क्योंकि ये रेडियस के बराबर, ये भी रेडियस के बराबर, तो टू रेडियस दैट इज डायमीटर। ओके, तो पी पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से जो हमें याद रखने हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही बेसिक हो गया और ये क्वेश्चन जो है आईआईटी जेई एडवांस 2011 में आया हुआ है इंटीजर टाइप में। ओके, तो इन्होंने बोला है कि एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज जेड माइनस थ्री माइनस टू आयोटा लेस देन इक्वल टू टू। अच्छा, जेड माइनस थ्री माइनस टू आयोटा का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू टू। अब इस चीज को ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं जेड माइनस ब्रैकेट थ्री प्लस टू आयोटा, ऐसा कुछ लिख दूं लेस देन इक्वल टू टू, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलेंगे एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। कैसे समझ में आ रहा है देखो, मैं बोलूंगा ये ऐसा लिखा हुआ है जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू टू, मतलब मेरे पास एक सर्कल होगा जिसका सेंटर जेड नॉट दैट इज थ्री कॉमा टू होगा। थ्री प्लस टू आयोटा मतलब क्या होने वाला है, 3.2। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अर्गन प्लेन बनाऊंगा। अर्गन प्लेन बना दिया, ये रियल एक्सिस होने वाला है, ये इमेजिनरी एक्सिस होने वाला है। अच्छा, एक्स में रियल में 3 है, इमेजिनरी में 2 है। रियल में 3 डेट इज कहीं इधर मान लिया 3.0, इमेजिनरी में 2 डेट इज 0.2 मान लिया। तो इस सर्कल का जो सेंटर कहां होगा, यहां पे होगा डेट इज 3.2 पे। ओके, अब इस सर्कल का रेडियस कितना मैं अज्यूम करूंगा, मैं बोलूंगा 2 रेडियस अज्यूम करो। जब 2 रेडियस अज्यूम करोगे तो एग्जैक्टली यहीं से टच करके और कहीं इधर से सर्कल बनेगी। बोलो हाँ हाँ, ये रेडियस 2 होने वाला है, ये रेडियस 2 होने वाला है, ये रेडियस 2 होने वाला है। ओके, मुझे ये चमका। अब मुझे क्या बोला गया है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से 2 से छोटा है, दिस मीन्स वो वाला कहां लाई कर रहा होगा? तो मैं बोलूंगा या तो उस सर्कल पे, क्योंकि इक्वालिटी भी गिवन है, और या तो उस सर्कल के अंदर कहीं कोई पॉइंट होने वाला है जेड। ओके, ये तो पहले लाइन पढ़ के समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब उन्होंने पूछा है कि बताओ भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा, 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा का मिनिमम वैल्यू बताओ। ओके, तो एक सेकंड के लिए ऐसे सोचो, 2z आ गया, हमने क्या सीखा है, z माइनस z नॉट टाइप को डिस्टेंस बोलते हैं,
2z माइनस z नॉट टाइप को डिस्टेंस नहीं बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, 2 को किसी तरीके से कॉमन निकाल दो बाहर। जब हम लोग 2 को कॉमन निकाल देंगे बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या जाने वाला है सोचो, z माइनस 6/2 is 3 प्लस 5/2 iota। अच्छा, दिस मीन्स अगर मैं ये कर दूं 2 टाइम्स z माइनस कॉमन ले लूं 3 - 5/2 iota। ओके, तो z का एक्चुअल में मिनिमम डिस्टेंस कहां से चाहिए मुझे, इस पॉइंट से चाहिए। इस पॉइंट के लोकेट करते हैं 3, -5/2। अच्छा 3, -5/2 दिस मीन्स x कोऑर्डिनेट 3 ही है, -5/2 इसका मतलब कहीं नीचे। तो अच्छा ये पॉइंट कितना आ गया 3, -5/2। इस पॉइंट से पूछा गया है जेड का मिनिमम डिस्टेंस, बताओ क्या होने वाला है। सबको पता चल जाना चाहिए ये वाला जो डिस्टेंस होगा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होने वाला है मिनिमम डिस्टेंस। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। ओके, और मैक्सिमम पूछा होता तो मैं क्या करता इस मिनिमम डिस्टेंस में 2+2 = 4 ऐड कर देता। बताओ मिनिमम डिस्टेंस कितना है, तो मैं बोलूंगा ये डिस्टेंस तो -5/2 का मॉडुलस है। ओके, तो डिस्टेंस 5/2 आया। क्या आंसर 5/2 है, बोलेंगे नहीं हमने क्या किया था 2 को कॉमन निकाल लिया था, अभी हमने किसका मिनिमम डिस्टेंस निकाला है इसका, इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है 2। तो हमारा फाइनल आंसर कितना होना चाहिए, मैं बोलूंगा हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 2 × 5/2 = 5। ओके, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। इसमें हमने बेसिकली क्या सीखा, जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस इज इक्वल टू आर लिखा हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक बेसिक सा सर्कल जिसका सेंटर है जेड नॉट पे और रेडियस आर के बराबर है। कभी भी मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस पूछे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उस पॉइंट को लोकेट कर दो, उससे हमारा देख लो सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। यहां हमें वो कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। सपोज हमारे पास एक रैंडम पॉइंट कहीं इधर आ जाता तो मैं क्या करता, सबसे पहले इस पॉइंट का हमारे सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट करता और उसमें से रेडियस माइनस कर देता, तभी मिनिमम वैल्यू आती। लेकिन यहां पे मुझे डायरेक्टली वो परपेंडिकुलर मिल ही गया, तो मैं अगर डिस्टेंस निकालता भी तो वो कितना आने वाला था 5/2 + 2 और फाइनली -2 करते ही, इसीलिए डायरेक्टली 5/2 मैंने बोल दिया। ओके, और मैक्सिमम डिस्टेंस पूछे तो मैं बोलूंगा सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो पॉइंट का, उसमें एक रेडियस ऐड करो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेंटर से डिस्टेंस निकाल लिया है तो अब मुझे और आर आगे जाना होगा। अच्छा ठीक है, तो ये बातें समझ में आती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे।